गाइस एसके इलेवन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करूँगा जो आपको डब्ल्यू ओ आर वर्सेज वाई ओ आर यानी कि जो आपको वर्केस्टर सायर वर्सेज यॉर्क सायर के बीच में यहाँ पर इंग्लिश टी ट्वेंटी ब्लास्ट का जो आपको आज का मैच खेला जाता दिखेगा उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। एकदम अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊँगा स्मॉल लीग के बारे में भी, आपको स्मॉल लीग में कैसे टीम्स करना है। साथ में मैं आपको कुछ प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप ग्रैंडिंग में पिक कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे पिक बनेंगे। साथ में हम डिफरेंशियल पिक के भी बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए स्मॉल लीग में अच्छे रहेंगे। सारा कुछ एकदम डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ दोनों टीम्स की टीम यहाँ पर स्क्वाड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि जो पिछले मैच में दोनों टीम्स की यहाँ पर स्क्वाड थी उन्हीं में से आपको प्लेयर्स खेलते दिख जाएंगे। तो मुझे ज़्यादा चेंज दोनों टीम्स में नहीं लग रहा है, सेम प्लेइंग इलेवन ही आपको खेलती दिखनी चाहिए। और एक बात का गाइस आप ध्यान रखिए, अभी टूर्नामेंट पहले स्टेज में ही है यानी कि ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, फिर भी कुछ मैचेस हो चुके हैं तो स्पिनर्स के लिए अब मदद हो रही है, तो आप इसका आप ध्यान रखिएगा। स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट टेबल पर आएंगे तो वर्केस्टर सायर यहाँ पर तीन में से दो मैच जीतकर तीसरे नंबर पर चल रही है, और वहीं पर बात करेंगे यॉर्क सायर की तो वो भी तीन में से दो मैच जीतकर यहाँ पर छठे नंबर पर चल रही है। वर्केस्टर सायर का एक मैच यहाँ पर गाइस टाई हो गया था जिसके चलते उनके पाँच पॉइंट्स हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग हैं, दोनों टीम्स के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ये वर्केस्टर सायर का गाइस आप 2021 का फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख सकते हैं, यानी कि इसी सीजन का स्टैट्स है, कंप्लीट है, आप देख लें। ये बैटिंग का है और ये यहाँ पर बॉलिंग का है। अगर आप देखेंगे तो इनके टॉप रन स्कोरर हैं जैक लिबी, तीन मैचेस में इनके 81 रन्स हैं। उसके अलावा ब्रेड डी ओलिवेरिया के तीन मैच में 109 रन हैं, व्हाइटले के तीन मैच में 65 हैं, वेसल्स के तीन मैच में 62 हैं, बी कॉक्स के यहाँ पर तीन मैच में 40 हैं, मोइन अली के तीन मैचेस में 67 हैं। तो ये आप बैटिंग का देखेंगे। बॉलिंग में देखेंगे तो 6 विकेटें यहाँ पर चार्ली मॉरिस के पास है, 4 विकेटें मोइन अली के पास, 2 विकेट इस सोडी के पास और 1 विकेट ब्रेड डी ओलिवेरिया के पास। बेन डुआर्सेज जो कि ओवरसीज साइनिंग है, इनके नाम पर अभी तक मात्र 2 विकेट हैं और स्टैट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा गाइस आपको लास्ट ईयर का स्टैट्स देखना, ये लास्ट ईयर का स्टैट्स है 2020 का, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको फुल स्टैट्स प्लस इन्फो मिल जाएगा। ये बैटिंग का है और ये यहाँ पर बॉलिंग का, ये लास्ट ईयर का स्टैट्स है तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यॉर्क सायर के ये इस साल का आप स्टैट्स देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जॉनी बेस्ट टॉप रन स्कोरर है, तीन मैचेस में 183, हैरी ब्रुक के तीन मैचेस में 113 है, विली के तीन में 48, कैडमोर तीन में 47, विलफ्रेंड के तीन में 35, लिथ के तीन मैचेस में 57, लेकिन पिछला मैच में लिथ अच्छा खेले हैं तो आप इनका ध्यान रखिएगा। और देखेंगे यहाँ पर मलान के तीन मैच में 39 रन ही है, उतना अच्छा नहीं चले हैं लेकिन ये अच्छा कर सकते हैं। बॉलिंग में देखेंगे आदिल रशीद को तीन मैच में एक ही विकेट मिला है, लेकिन ये बॉलर कमाल के हैं, हमेशा विकेटें लेते हैं, अभी तीन मैच में नहीं लिया है लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपको पता ही है, लेग स्पिनर है। फर्ग्यूसन के नाम तीन मैच में 5 विकेटें हैं, मैट वेट के तीन में 3 विकेटें हैं, जॉर्डन थॉमसन के नाम पर तीन मैचेस में 8 विकेटें हैं, डेविड विली के नाम पर तीन मैचेस में 5 विकेटें हैं, और देखेंगे मैट फिशर के नाम पर एक मैच में 2 विकेट हैं। तो ये सब आप यहाँ पर गाइज स्टैट्स देख सकते हैं इस साल का, ये लास्ट ईयर का आप स्टैट्स देख सकते हैं। ये बैटिंग का है और ये यहाँ पर बॉलिंग का है। इसमें अगर देखेंगे बॉलिंग में मैट फिशर का आपको स्टैट्स मिलेगा, 4 मैचेस में 8 विकेटें, यानी कि ये विकेट टेकर बॉलर है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। गाइज अब चलिए हम अपनी यहाँ पर टीम डिस्कस करते हैं। तो गाइज जो सबसे मेन पार्ट है वीडियो का वो अब से स्टार्ट होगा। स्टैट्स तो मैंने आपको बता दिया इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी, लेकिन जो अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको एकदम बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करके अपनी टीम्स करने की कोशिश करनी है। पहले विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर जॉनी बेस्टो यहाँ पर बी कॉक्स यही दो प्लेयर्स खेलने वाले हैं। मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के हिसाब से बेस्टो ही बहुत अच्छे हैं, ओपन करेंगे और आपको पता है कितने कमाल के प्लेयर हैं। बेन कॉक्स को ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हैं, प्लेयर वो भी अच्छे हैं लेकिन ग्राइंडिंग में ही मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। तो अभी के लिए हम बेस्टो के साथ ही यहाँ पर जाएंगे। फिर बैटिंग सेक्शन पर आते हैं, बैटिंग सेक्शन में अगर ऑप्शन की बात करूँ तो डेविड मलान है। आपको नहीं पता तो ये टी ट्वेंटी में नंबर वन बैट्समैन है, अभी तक तीनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं लेकिन हो सकता है आज ही ये हिट हो जाए। अगर गाइज ये चलेंगे ना तो बहुत अच्छा करेंगे, ये सेंचुरी भी मार सकते हैं, ध्यान रखिए। नंबर वन टी ट्वेंटी बैट्समैन है, इंग्लैंड के सबसे मेन टी ट्वेंटी प्लेयर में से एक है, अभी वन डाउन आ रहे हैं यहाँ पर
वैसे ओपन भी कर सकते हैं। वहाँ पर इंग्लैंड के लिए भी वन डाउन आते हैं और यहाँ पर भी वन डाउन आ रहे हैं, बहुत कमाल के प्लेयर हैं। रॉस वाइटली का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो फिनिशिंग आकर कर रहे हैं। एडम लिथ ने भी पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली ओपन करके, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट ईयर के टॉप रन स्कोरर, साथ में टाइम आने पर ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। टॉम कहलर कैडमोर अच्छे प्लेयर हैं, ओपन करते तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, ग्रैंडी के लिए ठीक रहेंगे, मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं। जैक लिवी भी एक अच्छे प्लेयर है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे हैं। रिकी वेसल्स ओपन आ रहे हैं तो ये भी अच्छे पिक है। हैरी ब्रुक ये भी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा खेले हैं। विलफ्रेंड मैं ग्रैंडी में ही सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर अगर बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से मैं अभी के लिए लूँगा डेविड मलान को, उसके अलावा एडम लिथ को, और यहाँ पर मैं जैक लिवी को लूँगा। ये तीन को मैं अभी के लिए लेकर चलूँगा, ठीक है। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर मोइन अली, डेविड विली और ब्रेड डी ओलिविरिया तीनों इंपॉर्टेंट पिक्स हैं। अली और विली तो दोनों आपको बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देंगे, और ब्रेड डी ओलिविरिया भी गाइज यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। ज़्यादा ये बैटिंग करते हैं लेकिन टाइम आने पर लेग स्पिन भी डाल सकते, तो हम इनको भी पिक कर लेते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं, तीनों के साथ आप यहाँ पर जाएं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ, एडी वांड है जिनका ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, पिछले साल टीम के कैप्टन थे और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, लेकिन इस साल उतना यूज इनका नहीं हो रहा है तो मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा। जॉर्डन थॉम्पसन है जिनके नाम पर बहुत सारी विकेट है इस साल, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है, तो इनको भी हम पिक कर ही लेते हैं, ये भी एक अच्छे पिक है, टाइम आने पर बैटिंग भी कर सकते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर लॉकी फर्गसन को तो आपको ले ही लेना है, ध्यान रखिए इनको आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, मेरी सजेशन यही रहेगी, आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें। ग्रैंडली के आपके लिए नंबर वन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइस है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड से आते हैं, बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हैं, साथ में स्लोअर बॉल से बहुत कमाल की है, तो लॉकी फर्गसन को आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर इस सोडी हैं, बेन डुआर्सियस हैं, और अगर बात करेंगे तो मैट फीसर हैं और चार्ली मॉरिस हैं। मैं यहाँ पर चार्ली मॉरिस को तो लूँगा ही गाइस, क्यों लूँगा चार्ली मॉरिस को, क्योंकि ये शुरुआत में ही डाल रहे हैं और साथ में डेथ में भी आकर डाल रहे हैं, तो इनको तो मैं लूँगा ही। अब यहाँ पर जो लास्ट प्लेयर की कॉल है, यहाँ पर राशिद को तो हम नहीं पिक कर पाएंगे क्योंकि उनका क्रेडिट ज़्यादा है, अभी तक एक ही विकेट इनको मिला है, लेकिन आपको पता है इंग्लैंड के सबसे मेन स्पिनर आदिल रशीद ही हैं, तो आप इनको ज़रूर ग्रैंडिंग में पिक करिएगा, अभी हम क्रेडिट के चलते इनको पिक नहीं कर पाएंगे। तो अब जो हमारे पास तीन बॉलर की ऑप्शन है, इस तोडी, बेन डुआर्सियस और मैट फीसर, अब हम इन तीन में से किसे ले हमें ये डिसाइड करना है। यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, इस सोडी के बारे में न्यूजीलैंड से आते हैं, लेग स्पिनर है, विकेट टेकर है। डुआर्सियस ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये भी एक अच्छे बॉलर हैं, टाइम आने पर बैटिंग भी कर सकते हैं। मैट फीसर ये भी ठीक बॉलर है लेकिन इनका डेथ में ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, जिसके चलते मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो फाइनल कॉल है वो यहाँ पर इस सोडी है और बेन डुआर्सियस, दोनों डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, ज़्यादा इस सोडी ज़्यादा डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर इस सोडी के साथ हूँ। यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, लेकिन अभी के लिए मैंने इस सोडी को ही पिक किया है। तो ये गाइस टीम का प्रीव्यू बन जाता है मेरा अभी के लिए, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपके डिफरेंशियल पिक कौन से हैं, साथ में आप किससे ग्रैंडिंग में ले सकते हैं, तो ये सब आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मोइन अली है, डेविड विली है, जॉनी बेस्टो हैं, ये तीन मेरे हिसाब से बेस्ट हैं आपके लिए स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंडी के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ग्रैंडी के लिए यहाँ पर डेविड मलान, एडम लिथ और यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीन प्लेयर्स को मैं ग्रैंडी में सजेस्ट करूँगा, जिसमें से मलान और फर्ग्यूसन को तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मलान वैसे कंसिस्टेंट प्लेयर है लेकिन तीन मैचेस से नहीं चले हैं, अगर चल गए इस मैच में तो आपके लिए ग्रैंडी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो इन तीनों को आप ग्रैंडी में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये गाइस यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन हम अपना कर सकते हैं, मैंने आपको सारा कुछ ऑप्शन दे दी है, आपको जो जिसे करना है आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग कैप्टन बेस्टो को कैप्टन मोइन अली को कर रहे हैं और वाइस कैप्टन बेस्टो को कर रहे हैं, ये ज़्यादातर लोग करेंगे सेफ जाने के लिए, लेकिन आप मेरे हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये गाइस ये अभी के लिए टीम है, लेकिन इसमें डेफिनेटली चेंजेस होने वाली है, जो आपको टीम अपडेट मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको फाइनल टीम अपडेट्स मिलेगी, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में गाइज
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ कमाल की फैंटेसी ऐप्स का लिंक मिलेगा, जिसमें यहाँ पर पहले नंबर पर स्पॉट्स से आती है, जिसमें आपको 500 का साइनअप बोनस मिलता है और 100% बोनस आप हर दिन आपको लीग्स मिलती है। PSL के मैच में हर दिन आ रही है, तो आप इसमें ज़रूर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सातों दिन विड्रॉल मिलेगा और साथ में बहुत कमाल की फैंटेसी ऐप है और कॉम्पिटिशन बहुत कम है। नेक्स्ट आती है प्राइम कैप्टन, जो कि थोड़ी सी पुरानी ऐप है, लेकिन इसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत कम है और इसमें इनका एंट्री फी बहुत कम रहता है। आप बहुत कम एंट्री फी में मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी जीत चुका हूँ। इसमें भी 100% बोनस वाली कॉन्टेस्ट हर दिन आ रही है और PSL के मैच इसमें भी आ रही है। तो प्राइम कैप्टन ऐप को भी आप ज़रूर डाउनलोड करें और उस पर भी खेलना स्टार्ट कर दें। ये ऐप आपको इंस्टेंट विड्रॉल भी देती है। और जो नेक्स्ट ऐप आती है, उस ऐप का नाम है गॉब्स की। ये मेरी फेवरेट ऐप है, सबसे ज़्यादा मैं अभी इसी पर खेलता हूँ और मेरी सबसे फेवरेट ऐप यही है। ड्रीम इलेवन से भी ज़्यादा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। सबसे कम कॉम्पिटिशन गॉब्स की ऐप पर है। 100% बोनस वाली लीग्स आती है हर दिन, बड़ी बड़ी कॉन्टेस्ट में, छोटी वाली कॉन्टेस्ट में नहीं गाइज। साथ में 500 का आपको साइनअप बोनस मिलता है अगर आप मेरे रेफर कोड से साइनअप करते हैं तो, गॉब्स की ऐप में। तो गॉब्स की ऐप को तो आप ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही खेलना स्टार्ट करें। मैं आपको प्रूफ के लिए बता देता हूँ यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग्स आती है जिसमें आप फ्री में पैसा लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, कल के PSL मैच में था जिसमें यहाँ पर 25K का गिव अवे था, आप 100% बोनस यूज कर पाएंगे। आज भी गिव अवे आएगी इतनी बड़ी बड़ी कॉन्टेस्ट में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप गॉब्स की ऐप पर ज़रूर खेलें। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और आप बहुत अच्छी विनिंग कर पाएंगे। साथ में स्मॉलिंग में भी कॉम्पिटिशन बहुत कम है। ये कंपनी विड्रॉल भी देती है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे विड्रॉल्स लिए हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिखाए हैं। आप जाकर चाहे तो चैनल पर वीडियो है, आप जाकर गॉब्स की का विड्रॉल प्रूफ वाला वीडियो देख सकते हैं। दम कमाल की फैंटेसी ऐप है, आप ज़रूर ट्राई करें, एक बार आप खेलें, मेरे हिसाब से आपको बहुत मज़ा आएगा इस ऐप में खेलने में। उसके अलावा गाइज, आपको एक और यूनिक फैंटेसी ऐप का लिंक मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर 15 रुपये लगाकर 1000 जीत सकते हैं। वो भी 15 रुपये आपका नहीं लगेगा, वो आपको कंपनी ही देगी, क्योंकि 100% बोनस वाली कॉन्टेस्ट रहेगी। आज के PSL मैच में आप 15 का 1000 जीत सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, आपको रेफर कोड यूज करना है SK11 Expert, आपको 25 का साइनअप बोनस मिलेगा, जिसे आप 15 वाले लीग में यूज करिए। अपना 100% सभी लीग्स में कर सकते हैं यूज़। 100% बोनस वाली लीग हर मैच में आती है, लेकिन PSL मैच में आप 15 का 1000 आज के मैच जीत सकते हैं। तो बहुत कमाल का आज के लिए मौका है। इस ऐप का नाम है Cricket++, बहुत यूनिक फैंटेसी ऐप है, तो आप बहुत अच्छी विनिंग कर पाएंगे। तो इस ऐप को गाइस जरूर डाउनलोड करें, एकदम यूनिक है, इसका फीचर एकदम अलग है, तो आप इस ऐप में बहुत अच्छी विनिंग कर पाएंगे। साथ में आपके लिए आज कमाल का ऑफर है, 15 का 1000 जीत सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जरूर एक बार इस ऐप को ट्राई करें, एकदम यूनिक है, आपको बहुत मजा आएगा इस ऐप में खेलने में। साथ में आपको 10 सेकेंड के अंदर में ये ऐप आपको विड्रॉल भी देती है। तो जरूर Cricket++ ऐप पर खेलें और मुझे जरूर बताइएगा आपको यह ऐप कैसा लगा। और गाइज, अगर आपको किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। तो बस गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।